जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी जान चुके होंगे कि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है। दोस्तों, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट बन गया होगा, और वो डाउट ये है कि सर, क्या अब हम यूपी पुलिस की तैयारी को छोड़ करके दिल्ली पुलिस की तैयारी करना शुरू कर दें? हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली वालों के लिए छोड़ दें, हम यूपी पुलिस की तैयारी ही करेंगे, दिल्ली पुलिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपका डाउट है, आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस डाउट को क्लियर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो यूपी पुलिस की ही तैयारी करें, या फिर आपको दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो सके। तो देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये होती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि यूपी पुलिस की हम तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो दिल्ली पुलिस के सिलेबस से बिल्कुल अलग है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक आप सोचते हैं कि कोई भी वैकेंसी आए हैं उसमें फॉर्म जरूर भरेंगे, और तो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें उनके जो सिलेबस है वो लगभग तो सेम होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जिस भी वैकेंसी का एग्जाम जल्दी होने वाला होता है आप उसकी तैयारी को पहले करते हैं। अब यहां पर आपके पास सबसे बड़ा डाउट ये बन जाएगा कि सर, दिल्ली पुलिस का एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है, यूपी पुलिस के बारे में अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी ये बात जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्जाम भी जनवरी तक होने की संभावना है। तो यानी कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा कि 3-4 महीने का गैप हमको मिल जाए, तो हम पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे लें और उसके बाद में हम यूपी पुलिस का भी एग्जाम दे लेंगे। ठीक है, ये डाउट आपके मन में है, ठीक है, होना चाहिए, आप दोनों को एक साथ में लेकर के नहीं चल सकते। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के फिजिकल में जो क्राइटेरिया है, लेकिन मैं अगर बात करूं केवल उन कैंडिडेट की जो केवल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी हाइट 170 नहीं होगी। तो अगर आपकी हाइट 170 नहीं है फिर आप दिल्ली पुलिस के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि वहां पर आप फिजिकल में निकाल दिए जाएंगे, तो आपको वहां पर जाने से कोई फायदा है। ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये है कि उसमें उसका जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, जो जीके का पोर्शन है वो वहां पर बहुत ज्यादा है। अब अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं कि आपका जीके से कोसों दूर का रिश्ता है, लेकिन जो बाकी 3 सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, ये आपके 3 बहुत मजबूत है, और आप यूपी पुलिस में इन्हीं 3ों के दम पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और आपने ये सोचा है कि जीके में अगर हमारे 8-10 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो हम इतना कर लेंगे कि हमारा सेफ स्कोर क्लियर रहेगा, तो हमें यूपी पुलिस से बाहर नहीं होना पड़ेगा, तो फिर दिल्ली पुलिस में आप मत जाइए। लेकिन अगर आपकी हाइट 170 है और जीके भी आपका ठीक है, तो मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि आप दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म भरें, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छी जॉब होती है। अगर मैं यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तुलना में बात करूं तो दिल्ली पुलिस में ऐसी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं जो यूपी पुलिस में नहीं मिलती हैं। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, तो यूपी पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस, तो इन दोनों का कंपेयर करके एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म आप लोग जरूर भरें। और अब यहां पर आप सोच रहे होंगे, सर फिर तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। डाइवर्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कंप्यूटर केवल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि यूपी पुलिस में इसका काम नहीं आएगा। मानते हैं एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम के बाद में आएगा। और कंप्यूटर जानना किसके लिए ठीक नहीं है, सभी के लिए ठीक है, आजकल तो सबको कंप्यूटर आना ही चाहिए। तो इसलिए अगर आप कंप्यूटर पढ़ लेते हैं वहां पर तो आपका हो जाएगा। मैथ वही आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजनिंग वही पूछा जाता है जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें सेम चलती रहेंगी। ठीक, उसका एग्जाम डेट फिक्स हो गया है तो आप उसकी तैयारी भी बहुत ही डेडिकेटेड करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं अगर केवल जीके की, 50 क्वेश्चन वहां पर आते हैं, तो आपको क्या करना है, जीके बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज है जो आपको वहां पर सिलेक्शन दिलाएगी। जितना बढ़िया स्कोर आप जीके में कर पाएंगे वो, तो अगर आपका जीके अच्छा है या जीके समझ में आती है तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म जरूर भरिए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले अगर आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, क्योंकि यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको लाइसेंस जरूर चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप एग्जाम तो दे पाओगे, लेकिन फिजिकली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप लाइसेंस बनवा लो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको लाइसेंस नहीं बनवाना है, तो फिर आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म मत भरना, क्योंकि वो फिर बेकार हो जाएगा। तो ये चीजें थी। अब उम्मीद है कि आपका डाउट अब ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर, हमें दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए।
अगर आप ये सोचो कि सर आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो कि हम फॉर्म भरें, तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म जरूर भरो, क्योंकि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम हो तब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप क्लियर कर लो। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी और अगर आप इन चीजों को फुलफिल करते हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भरेंगे और तैयारी भी करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन से ऐसे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं दिल्ली पुलिस का, भी कैसे तैयारी करनी है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे सीख सकते हैं, जीके जीएस की कैसे आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।